और कुछ आपके सवाल होंगे तो उससे उनको सामने रख के बात की जाएगी। जहाँ तक सिलेबस की बात है, मैं इसको ऐसे 5-10 मिनट में सिलेबस तो नहीं लेकिन उर्दू के तालिबे इल्म के तौर पर और मुमकिन है अंग्रेज़ी के तालिबे इल्म के तौर पर आपका मुआशरा आपसे कुछ तो परे रख ले, लेकिन आप अपने आप से इस बात की एक ख्वाहिश रखें कि आपके अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ उस तरह की मालूम मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके पास वो मालूम मौजूद है तो फिर आपके इर्द गिर्द में, आपके माहौल में या जहाँ कहीं आप अपनी सलाहियतों का सलाहियतों को बतौरकार लाना चाहते हैं या अपनी सलाहियतों के साथ किसी जगह को सर्व करना चाहते हैं तो वहाँ आपको कोई रोक नहीं सकेगा। पहली सतह पे मैंने बात की कि आप अगर उर्दू के तालिबे इल्म हैं, अंग्रेज़ी के तालिबे इल्म हैं तो उर्दू जबान के ज़बान का बर्ताव कैसा होता है वो थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन जिस सतह पे आप तालिब इल्म हैं यानी एक सतह पे ज़बान के कुछ असूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं जो कहना चाहिए कि मुश्किल लफ्ज़ हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि आप आहिस्ता आहिस्ता वाकिफ़ हो जाएंगे कि कहीं पे कुछ बयान की बातें होती हैं, कुछ बदी की बातें होती हैं और ये दोनों बातें एक सतह पे बोलने के लिए हैं, दूसरी सतह पे लिखने के लिए हैं और हमारी ये महारतें या बोलने के लिए हैं या लिखने के लिए हैं। तो जो बोलने के लिए हैं वो बहुत दफ़ा हम इधर उधर से सुन के, रेडियो पे अच्छी आवाज़ें सुन के, अच्छे जुमले सुन के या कहीं से पढ़ के, किताबों से पढ़ के हम अच्छी ज़ुबान बोलने लग जाते हैं। लिखने के लिए भी हमें थोड़े से सर्फ के और नहव के मुख्तलिफ़ तरह के फ़वाद हैं उनसे हम इस्तफादा कर लें तो ये दो बातें हमारे पास सहूलत के साथ आ जाती हैं। उर्दू ज़बान के तालिबे इल्म के तौर पर ये दो बुनियादी बातें अगर आपके पास कहीं पर जमा हो जाती हैं, आप उनको सीख लेते हैं तो फिर उसके बाद होता है कि देखने की ज़रूरत होती है कि इस जिस ज़बान के साथ आप वाबस्ता हैं उस ज़बान का लिटरेचर, उस ज़बान का अदब, उसके आगाज़ या उसके उरूज और उसकी तरक्की की क्या क्या सूरतें हैं, कौन कौन से ज़मानों में ये ज़बान तरक्की करती रही है। तो उर्दू ज़बान का चूँकि मुझे मालूम है इसलिए मैं उर्दू ज़बान के हवाले से आपसे बात कर सकता हूँ कि उर्दू ज़बान के जो आगाज़ की कहानी है वो कोई लगभग 1000 साल से है जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद हुई। कह लें कि हम वैसे थोड़ी सी जज्बाती सूरत हाल में गिरफ्तार रहते हैं तो उसमें हम मोहम्मद बिन कासिम से अपने मुताले पाकिस्तान को शुरू कर देते हैं और उर्दू ज़बान के लिए हम महमूद गज़नवी और शुमाल से आने वाले जो मुसलमान हैं वो जब यहाँ इस सरजमीन के ऊपर हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जब यहाँ पे वो आए और यहाँ के लोगों के साथ उनका मेल जोल हुआ तो उसके साथ साथ उनकी ज़बान और यहाँ की मकामी ज़बानों से कुछ नए लफ्ज़ बनना शुरू हुए, कोई नई ज़बान बनना शुरू हुई। ये तफसील के साथ आपको आपके असातिज़ा बताएंगे, लेकिन जो ज़बान उस सतह पे पहुँची कि जिससे आज भी हम पुरानी ज़बान को जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये मुश्किल ज़बान है। वैसे आपके साथ एक और अजिया भी है कि आज से 50 साल पहले वाली ज़बान भी अगर आपके तालिबे इल्म पढ़ते हैं तो उनको थोड़ी मुश्किल पेश आती है। वो मुश्किल इस वजह से पेश आती है
कि आज से 50 साल पहले 60 साल पहले हमारे इस खत्ते में, जिसे हिंदुस्तान या पाकिस्तान कहा जाता है, फारसी का चलन ज्यादा था।